बकार मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सीधा सवाल मेरा है, ये सर्वे से डर क्यों है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 30 सेकंड। हम लोग को डर ही नहीं किसी चीज का, हम तो बाबरी मस्जिद का फैसला झेल के बैठे हैं। झेल के बैठे क्या? आप अंदाजा लगाइए कि आप लोगों ने ये कहा 92 से पहले कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहां पहले मंदिर था, आपने कहा रामलला प्रकट हो गए, पूरी दुनिया में जब फैसला आया तो उसने देखा कि नहीं सब झूठ बोल रहे थे। मुसलमान ने नहीं कहा, जस्टिस गोगोई साहब के साथ जो जजेस थे उन्होंने फैसला दिया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अभी हाल में इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं दे पाए आप लोग कि 1200 से 1528 तक कोई मस्जिद को मंदिर या महल या घर बना था वहां पर। एक सेकंड, वो अवैध तरीके से रखे गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमें कानून समझा रहे हैं सर, एक मिनट, और फिर आप कह रहे हैं कि हम भी आप जैसे हो जाएं। आप सबसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या राम मंदिर के फैसले में ये नहीं कहा कि ये जो एक आपने इमारत तोड़ी है या जो भी चीज है वो एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था? हिंदू स्ट्रक्चर नहीं कहा पर नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप एजेंडा नहीं पढ़ते हैं? एडेंडा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और यही आस्था का केंद्र है। और आप तो सबसे बहुत सवाल पूछते हैं। असीम भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मतलब एक लीडर हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, क्या ज्ञानवापी के केस पे आज आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पे बोलने आए हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का 1997 का जजमेंट पढ़ा? 1997 पेज 606 नहीं पढ़ा होगा मुझे लगता है। और आपने जो दीन मोहम्मद के केस में फाइंडिंग आई थी सिविल कोर्ट की, वो भी आपने नहीं पढ़ी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जगह मस्जिद नहीं है और ये कभी वफ नहीं हो सकती है। और असीम वकार, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिएगा अगर आपके अंदर यकीदा हो तो, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं देता है तो रेस्टोरेशन की मांग, उसको वापस लेने की मांग संवैधानिक ढंग से क्यों नहीं की जा सकती? और जज ने जो बात बोली है कि ऐसा डर का माहौल बनाया गया है सिविल मैटर का, उस पर आप क्या कहेंगे? असीम वकार, 40 सेकंड्स, देन कोई गौरव भाटिया। कोई डर का माहौल नहीं है, आप क्रिएट कर रहे हैं डर। अब आपका एजेंडा हो सकता है, नमाज पढ़ने आए थे वो कौन थे? हजारों की संख्या में, 10 गुना ज्यादा संख्या में जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आए तो निकले नहीं मस्जिद से, वो क्या था असीम भाई? एक बार भी आप उसकी निंदा नहीं करेंगे? शक्ति प्रदर्शन किया गया, पूरी पूरी जुडिशरी को और जो एडवोकेट कमिश्नर गया था उसको डराने की कोशिश की गई, क्यों जरूरत है फोर्स की? मैं तो ये मांग करता हूं, आप अपील करिए अपने समुदाय से, एक फोर्स की जरूरत नहीं है, जाए सर्वे करें, हम सहयोग करेंगे। पर आप ये नहीं बोलोगे मस्जिद में 1 बजे की नमाज के बाद आप निकलोगे ही नहीं बाहर, आप निकले ही नहीं बाहर। पूरा एडवोकेट कमिश्नर रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है, आपने कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, इसीलिए आज ये ऑर्डर आया कोर्ट का। असीम भाई, कम से कम कुछ बात तो ईमान और यकीने से बोला करिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो बोलिए, आज अमीर देवबंद के शो पे लाइव बोलिए कि मैं अब मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वहां पे शक्ति प्रदर्शन ना करें और शांति से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है उसको होने दें। बोलिए बोलिए बोलिए, असीम वकार बोलेंगे। असीम भाई, ये तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, ये तो वकील है। बोलिए असीम वकार की मुस्लिम भाइयों को इत्मीनान से वीडियोग्राफी करवाने देनी चाहिए, सबसे सामना करना होगा। डमरू भी चल रहा है, ये सब ये खेल मत पब्लिक से कर रही है। नहीं सर, बोलने दीजिए सर, अरे बोलने तो दीजिए। जैन साहब कह रहे मेरे धर्म के बारे में, जैन साहब आप तो हिंदू नहीं है, आप तो अल्पसंख्यक है। नहीं नहीं, मैं हिंदू हूँ, धर्म ही नहीं है। मैं आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानता हूँ और जैन जो है हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। आपकी गलत फहमी है, रणकपुर का जैन मंदिर देखा है क्या? वहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। आप पता नहीं कौन से जैन को जानते हैं, मुझे नहीं पता आपके जैन से मिले। और ये हिंदुओं को बांटने का जो आपका प्रयास है ना, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है क्या? पहला सवाल। और बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर व्यूअर्स, बड़ी स्टोरी है, एक बड़ी खबर है। असीम वकार, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता असाउद्दीन ओवैसी, आप पूछ रहे थे कौन डरा रहा है, कौन रोक रहा है, ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या बोला है, सुनिए। हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मस्जिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं तो यह मस्जिद भी हमसे छीन ली जाएगी। यह है डर का माहौल। असीम वकार, आप पूछ रहे थे डर का माहौल ये बना रहे हैं,
डर का माहौल ओवैसी साहब बना रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, और कैसे यकीन है कि मस्जिद खो जाएगी, सत्य सामने आएगा अगर श्रृंगार गौरी के, जहां पर श्रृंगार गौरी की चर्चा हो रही है वहां पर तथ्यात्मक प्रूफ नहीं निकलेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी वकीलों को? भरोसा क्यों है कि वहां से मंदिर ही निकलेगा? गौरव भाटिया, इतना कॉन्फिडेंट तो वकीलों को नहीं है जितना कॉन्फिडेंट ओवैसी नजर आ रहे हैं। ही सुपर कॉन्फिडेंट कि वहां मंदिर ही है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। ही इज नॉट सुपर कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट सुपर कॉन्फिडेंट। अंदर से बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और ये डर अच्छा है अमीर जी, क्योंकि ये कानून की ताकत बताता है। ये सहिष्णु हो के व्यक्ति अपनी ताकत जब दिखाता है ना कलम से, तो वो है। और ये देखिए मेरे हाथ में, आज ये कह रहे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते, बाबरी मस्जिद है ये बोले। जब राम मंदिर का फैसला आया तो इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ये आज उसी सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहते हैं जिसका फैसला ये नहीं मान रहे थे। और दूसरी बात, ये दो मस्जिद तीन मस्जिद की लड़ाई नहीं है अमीर जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। हर नागरिक को हक है कि अगर कहीं पे कोई अक्रांता हुई, कोई गलत काम हुआ, कोई लूट खसोट हुई, किसी के पास मालिकाना हक नहीं है, तो वो नागरिक न्यायालय जाएगा और न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा, वो सबको मानना होगा। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं, आज अयोध्या, काशी और मथुरा तीन पावन स्थल है, उनकी बात होती है तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। मक्का मदीना इनके लिए पावन है। अमीर जी आप बताइए, मक्का मदीना के साथ अगर एक मंदिर बन जाए तो ये लोग न्यायालय जाएंगे? आपको लगता है ये लोग पेपर मांगेंगे? नहीं, तब तो ये लोग सब कुछ करेंगे जो गैर संवैधानिक है। आज हिंदू ही है जो अपना विराट रूप दिखाता है, बड़े हृदय से न्यायालय का जी 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 गौरव भाटिया, असीम बकार आप काफी देर से पूछ रहे थे, आपने इस चर्चा में तीन चार बारी बोला कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, कौन डर का माहौल बना रहा है, कौन इसको बड़ा बना रहा है, आपके नेता बड़ा बना रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते। मैं ये चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि मस्जिद खोएगी, क्यों नहीं आपको लगता वहां पर मस्जिद है और रहेगी? नहीं तो देश नहीं। ओवैसी साहब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, आप घबरा क्यों गए भाई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं और आप कह रहे डर का माहौल बना रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हम लोग तौबा नऊज़ुबिल्लाह कहीं ऐसी जगह चले जा रहे हैं जो देश, जिससे देशों का खतरा, फैसला क्यों नहीं माना था? मैं नहीं, आप घबरा क्यों गए? सर्वोच्च न्यायालय के नाम से क्यों डर गए आप? जाने दीजिए, घबराए तो आप लग रहे हैं, पसीने तो आपके छूट रहे हैं। देखिए ऊपर आप ये बयान क्यों दिया कि हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते? हाँ नहीं खोना चाहते हम, आप छीनना हो छीनिए, आप छीनना चाहते हैं छीनिए। आप किसने छीनी मस्जिद जब लूट खसोट कर रहे तो थे, अगर आपको इतना सम्मान है अलग। ओके सर्वर कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, सर्वर साहब कुछ कहना चाहते हैं, हाफिज गुलाम सर्वर आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर जो ओवैसी कह रहे हैं? देन तस्लीम रहमानी, मैं जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तब भी जब ये मीटिंगें चल रही थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर से रीअपील की बात हो रही थी और पता नहीं यूएनओ तक जाने की बात हो रही थी, तब भी मैं खुलकर कह रहा था कि अब यहाँ पर कम से कम विराम लगाया जाए और एक सौहार्द का वातावरण बनाया जाए। ये जो कह रहे हैं एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता, छीन लीजिए, ये कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जाता। देखिए रहना भारत में है, रहना भारत में है और भारत में ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता कि हिस्ट्री में है डिस्प्यूट। लेकिन क्या मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या अदालत पर भरोसा नहीं? क्या यहाँ के लोगों से, साधु संतों से, बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से, सरकारों से बातचीत नहीं हो सकती क्या? क्यों बार बार ये बातें की जाती हैं कि डर है तो भय है तो खून बह जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी तो ये हो जाएगा? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए ये माहौल, और बात का रास्ता निकाला जाए, वार्ता हो। क्यों डायलॉग को आप बाधित कर रहे हैं बार बार? ठीक है, ओके ठीक है, इस पर कुछ आप भी कह रहे थे, एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अमीश भाई, गौरव भाई भी यहां बैठे, मेरे बड़े भाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम सब जानते हैं। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर है ना, बड़े वेल नोन बैरिस्टर हैं, और ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। असीम वकार, इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अगर प्रोवाइडेड है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोवाइडेड है और फिर रिविजन हाईकोर्ट में प्रोवाइडेड है, पर वो उन सबको लांग के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वो इस देश के बहुत बड़े बैरिस्टर नहीं, उन्होंने जो लाइन बोली, देखिए जो 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 लीगल आप और गौरव भाटिया लीगल नॉमिनेशन